तो आज रामनवमी के मौके पर बहुत ही अद्भुत नज़ारा जो है से कुछ देर बाद देखने को मिलेगा। और आइए अब सीधा रुक कर लेते हैं अयोध्या धाम का। वहाँ से हमारे संवाददाता अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सबसे पहले तो जय श्री राम, किस तरह का माहौल वहाँ फिलहाल आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और इंतज़ार है सबको कि अब से कुछ देर बाद जब सूर्य तिलक होगा रामलला का, तब वो बेहद ही अद्भुत पल जो है पूरा विश्व जो है उस पल को देख पाएगा। जय श्री राम मुकुल जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। अनंत श्री भगवान श्री राम के प्रकटोत्सव पर जो भीड़ है अब बढ़नी शुरू हो गई है। देखिए अभी 12 बजने वाले हैं, धूप का आलम है ये है कि आप नंगे पांव चल नहीं सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों ना हो, क्योंकि सूर्य तिलक पहली बार होने जा रहा है, पहली बार विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्भुत समावेश आपको आज 12 बजे मिलेगा। और लगभग 3.5-4 मिनट तक भगवान सूर्य राघव के ललाट को चूमते हुए नजर आएंगे और ये चुंबन संपूर्ण विश्व में ये संदेश लेकर के जाएगा कि भगवान श्री राम भक्त वत्सल हैं, प्रजापालक हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि जब वो 12 बजे यहाँ पर मध्याह्न में प्रकट होंगे तो सभी के हृदय में आनंद का संचार करने वाले हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि भगवान आनंद की सिंधु राशि है और उस सिंधु राशि में से अगर एक तिनका भी अगर हम निकाल लें तो संपूर्ण विश्व को संतृप्त कर देता है। आप देखिए कि ये पूरा द्वार सज चुका है जहाँ पर रात से ही भक्तों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और लोग लाइनों में लग करके बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने किसी भी अव्यवस्था की शिकायत की हो। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। लेकिन मुकुल, आपको मुझे लगता है मैं आपसे ज्यादा भाग्यशाली हूं कि आप स्टूडियो में तो नहीं, लेकिन यहां पर आकर के आप महसूस कर सकते हैं कि यहां पर इस वक्त अयोध्या की रज में कितना उत्साह है भगवान श्री राम के प्रकटोत्सव के लिए। और सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि र आ म तीन शब्द हैं भगवान श्री राम के नाम में। र अग्नि का बीज मंत्र है, आ सूर्य का बीज मंत्र है और म चंद्रमा का बीज मंत्र है। और वही सूर्य भगवान जिस सूर्य वंश में 39वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम स्वयं प्रकट हुए इस अयोध्या धाम में, आज उनको देखने के लिए आंखें लालायित थे। वो कोची भाग्यशाली लोग होंगे जो गर्भगृह में उस वक्त होंगे जो उसका दर्शन कर पाएंगे, लेकिन हम लगातार विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण विश्व तक वो तस्वीरें जरूर पहुंचाएंगे। मुकुल जी, बिल्कुल अजय, ना सिर्फ भाग्यशाली बल्कि सौभाग्यशाली वो तमाम लोग जो उस अद्भुत पल को देखेंगे अपनी आंखों से ही, और उसके साथ साथ तमाम विश्व के जो हमारे दर्शक हैं, हमारे देशवासी जो हैं, वो भी इस पल को देखने के लिए बेताब हैं। लेकिन जो जैसा आपने बताया कि विज्ञान और जब हम धर्म की बात करते हैं, जिस तरीके का ये जो एक समागम अब से कुछ देर बाद होने जा रहा है, जो खासतौर से रामलला के ललाट पर सूर्य की जब किरणें जब पहुँचेंगी, जो वहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनका क्या कुछ नज़रिया है इसको लेकर, क्योंकि एक असंभव सी बात ये लगती थी। देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात है, विज्ञान और विरासत जिसको कहते हैं ना कि संस्कार और विरासत, अध्यात्म और विज्ञान एक साथ लेकर के आज से नहीं मुकुल, सनातन व्यवस्था जब से बनी है तब से हम विज्ञान को महत्व देते रहे हैं। भले ही वो मशीनों में नजर ना आए, लेकिन आध्यात्मिकता जो है वो विज्ञान के ही इर्द गिर्द दिखाई देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी लोगों के जो आने जाने की व्यवस्था है उसको और ज्यादा व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था अब से थोड़ी देर पहले। आप देखिए कि ये जो अधिकारी हैं वो लगातार एक सुरक्षित दर्शन को सुनिश्चित करने के लिए जो पुलिस बटालियन पीएससी बटालियंस की व्यवस्था की गई है, और तम जो आपको अभी आवाज़ें नज़र आ रही होंगी उसके वो गर्भगृह से जो जो आवाज़ें हैं जब भोग भंडारा लगता है, मंत्रोच्चार होता है, उसकी आवाज़ पूरी अयोध्या में गूंज सुनाई दे, उसके लिए व्यवस्था की गई है, इसलिए एम्बियंस आपको इस वक्त नज़र आ रहा होगा। लेकिन मैं बार बार इसी चीज़ को फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है। ये क्षण पहली बार आया है अयोध्या के लिए, पूरे देश के लिए, जब लोग अपने आंखों के सामने भगवान राघव को तो देख ही रहे हैं, उनका प्रकटोत्सव, उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। और यही सनातन धर्म की खूबी है कि क्यों कैसे लोग मिल करके एक दूसरे के साथ जो त्याग और जो प्रेम की भावना है, और भगवान श्री राम जिसके लिए जाने जाते हैं, सभी को गले लगाते हुए भगवान श्री राम सभी को अपने अपने राम उनके अपने मन में प्रकट होते हुए दिखाई देंगे। और 12 बजे का सभी को इंतजार है, शुभ मुहूर्त का, जब भगवान श्री राम उस अद्भुत छवि के साथ संपूर्ण विश्व को अपना अद्भुत और दिव्य दर्शन देंगे। जी बिल्कुल अजय, और खासतौर से इंतज़ार वो सभी को हर, जैसे आपने कहा कि जो ध्वनि सुनाई दे रही है वो राम नाम की ध्वनि, हर कोई उसको सुनना चाहता है, उसी में ही मंत्रमुग्ध होना चाहता है। और खासतौर से लेके जो वहाँ की व्यवस्था की अगर बात की जाए, जैसा आप हमें लगातार बता रहे हैं कि कैसे पूरी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद नज़र आती है, किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था वहाँ पर ना हो। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार दूरदर्शन जो है इसके ज़रिए हम पूरे विश्व को ये दिखा रहे हैं, और फिलहाल की जो सीधी तस्वीरें हैं वो भी अपने दर्शकों को यहाँ लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए
श्री रामलला के जो दर्शन हैं वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और आप भी जो अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें इस वक्त की अयोध्या धाम से। श्री रामलला की ये तस्वीर और इनके ललाट पर 12 बजे के बाद आज सूर्य तिलक होगा और श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो आप यहाँ देख सकते हैं। लंबी लंबी कतारें जो हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं, और खासतौर से अजय जैसा आप बता रहे थे कि जो व्यवस्था की गई है बाहर हम देख पा रहे हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं, और अभी अंदर की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, लंबी लंबी कतारें जो हैं वो अंदर भी नज़र आ रही हैं। क्या अभी तक अभी का कोई आंकड़ा कोई निकल कर आया है कितने संख्या में जो श्रद्धालु पहुँचे हैं? देखिए मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं मुकुल, जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो जो ट्रस्ट है उसने कहा था सिर्फ 70 से 80 हजार लोग अगर 12 घंटे दर्शन दें प्रभु तो उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान श्री राघव लगातार खड़े होते हुए 19-20 घंटे तक पूरी रात दर्शन भगवान देने वाले हैं, और तकनीक के माध्यम से हमने 4K टेक्निक में पहली बार 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी दुनिया में विस्तारित किया था, और वही उसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस बार भी हमने विशेष तैयारियां की हैं दूरदर्शन परिवार ने, और आप देखिए कि 100 से ज्यादा LEDs लगाई गई हैं, और यहां पर जो 25 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा है कुछ लोग तो 40 लाख तक बता रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आधिकारिक आंकड़ों के लिए। 25 लाख का आंकड़ा तो आप मान करके चलिए, पहले ही दिन 6.5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, लेकिन आज की जो संख्या है भक्तों की वो सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ती हुई जा रही है, और मेरे पीछे थोड़ी बहुत जो भीड़ है उससे आप अंदाज लगा पा रहे होंगे, क्योंकि 10 से 15 सेकंड तक का ही मौका मिल रहा है एक व्यक्ति को भगवान श्री राम के सामुख खड़े होने का, उनके दर्शन करने का, और लाखों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं उनको ले जाने की और ले आने की। एग्जिट और एंट्री पॉइंट इतने जबरदस्त बनाए गए हैं, जो बैरिकेडिंग की गई है इतनी सुव्यवस्थित तरीके से की गई है, लोगों को एक किलोमीटर भले ही ज्यादा चलना हो लेकिन उनको अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ रहा है, और पहली बार तकनीक का इस्तेमाल कर बिल्कुल, और उसी तकनीक के जरिए अजय अपने दर्शकों को हम सीधी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं इस रामलला मंदिर से, किस तरीके से देखिए पूरा जो मंदिर है ये भव्य मंदिर, इसको पुष्पों से सजाया गया है, सुसज्जित किया गया है, और आज अब से कुछ देर बाद